नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में स्वाति। खबर नसरुल्लागंज से है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलवार देर रात को जुए के फड़ पर छापामार कार्यवाही करने गई पुलिस पर जुआरियों के द्वारा महिलाओं के साथ मिलकर हमला बोल दिया गया। इस घटना में एक एएसआई सहित दो पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज नगर के सिविल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। वहीं 5 नामजद आरोपी एवं 7-8 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के द्वारा आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद सीहोर एवं गोपालपुर का पुलिस बल नसरुल्लागंज थाने में तैनात किया गया है। इस संबंध में एसडीओपी आकाश अमलकर ने बताया कि मंगलवार रात 12 बजे के लगभग हंडे टायर पर इवेंट आया कि रेस्ट हाउस रोड स्थित सर्वहरा कॉलोनी में जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर से सूचना प्राप्त की और एएसआई मुकेश सिंह राजपूत के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर जुआ खेल रहे युवकों की चारों तरफ से घेराबंदी की। पुलिस को देखकर वहां पर मौजूद युवकों ने हमला बोल दिया। इस दौरान वहां पर मौजूद महिलाओं के द्वारा भी युवकों का साथ दिया गया और उन्होंने भी वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों की पिटाई की। इस घटना में एएसआई मुकेश सिंह, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र, आरक्षक विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पर हुए हमले के बाद थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हमलावरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने इस मामले में संजय कांचले, राम नारायण कांचले, वीरेन, विजेंद्र, नम्रता, शिवानी, संध्या, संतोष, शिवम और अन्य 7-8 के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 353, 332, 294, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने संजय कांचले, राम नारायण कांचले, वीरेन, विजेंद्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्या मामला है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई? हाँ, रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सर्वहरा कॉलोनी रेस्ट हाउस के पास जुए की सूचना थी, जिस पर एएसआई के नेतृत्व में टीम गठित करके भेजा गया था, जिनसे घेराबंदी करके पूछताछ की गई। तो जो मारने को चालू हो गए, रोकने पर उनने पुलिस के साथ मारपीट की, जिसके एवज में उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। कितने लोग हैं सर? महिलाएँ भी हैं? लगभग उनके परिवार के लोग थे, ऐसे 8 लोगों के नाम जो एफ आई आर हुई है। साथ में कुछ अन्य लोग थे जिनका भी हम पुलिस जांच कर रही है, उनके भी नाम लेके आएगी, खुल दी जाएगी। क्या पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं सर? इसमें पुलिस की जो टीम थी उसमें से 8 नौ लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें 3 लोग जिनको गंभीर चोटें थी वो भी अस्पताल में उपचारत थे। कितने लोग गिरफ्तार हो गए सर? अभी वर्तमान में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, बाकियों की भी सरगर्मी से जाँच की जाएगी, पकड़ लेते हैं।